उत्तराखंड उधम सिंह नगर के थाना परिसर में बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने कहा, गदरपुर पुलिस को एक वाहन चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर गदरपुर पुलिस द्वारा टीम गठित कर दो बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बाइक चोर उधम सिंह नगर से बाइक चुरा कर पड़ोसी देश नेपाल में बेचने का कार्य करते थे। इनकी निशानदेही पर 11 बाइक बरामद की। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि इसमें से एक वाहन गदरपुर से चोरी हुआ है और 10 बाइक रुद्रपुर क्षेत्र से चोरी हुए हैं। गदरपुर पुलिस टीम को 2000 के इनाम की घोषणा की जाती है और साथ ही टेबल इरशादुल्लाह खान और सब इंस्पेक्टर मुकेश मिश्रा को मैन ऑफ द मंथ के लिए भी नामित किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का भी निर्देश रहता है कि संगठित अपराध के ऊपर काम करना है। आज जो है हमारा गदरपुर थाना पुलिस टीम द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए बेहतरीन कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक बाइक का चोरी का ये पीछा कर रहे थे और जिसमें मुकेश मिश्रा हमारा एसओ जसवीर चौहान और उसकी पूरी टीम एक बाइक की चोरी का पीछा करके लीड लेते लेते नेघाल बॉर्डर पर तक गए। बाकी तब जो है उनको पता चला कि ये तो गैंग बहुत बड़ा है, ये जो है कई बाइकों को ले जाकर नेपाल में अपने ठिकाने लगा रखे हैं और नेक्स्ट स्टेप में ये लोग नेपाल की मतलब नंबर्स भी ले लेते हैं, इस पर नेपाल की रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी डालने वाले थे। तो वो गैंग के बारे में जानकारी हुआ तो उसको अच्छे से एक इंटेलिजेंस का ट्रैप बिछा के ठीक से उसको टाई अप करके माल के सहित कुल मिला के वो दोनों चोरों को पकड़ा है और उनकी निशानदेही पे बॉर्डर से 11 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। साथियों, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल पुलिसिंग। 11 मोटरसाइकिल में 7 मोटरसाइकिल्स हमारा रुद्रपुर से चोरी गए हैं। हमारा रुद्रपुर में इनके ऊपर अपराध है, पंजीकृत है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपराध है, ठीक है, चोरी का FIR रजिस्टर्ड है। इसी प्रकार ट्रांजिट कैंप की 3 चोरी का बाइक रिकवर हुआ है और एक गदरपुर के। तो कुल मिला के यहाँ का उधम सिंह नगर की 11 चोरी का मोटरसाइकिल्स हमने बरामद किया है, विच इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट। साथ ही नेपाल में जाके ठिकाने लगाने वाली एक स्पेशलाइज गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।